नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो भाई, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं गाइज मीठापुर से आगे का अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, ठीक है। जो कि आपको पता ही होगा कि डीएनडी फ्लाईओवर से लेके जो है सोना तक कनेक्टिविटी 59 किलोमीटर का, उसका अपडेट चल रहा था। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि कालिंदी कुंज से जो है मीठापुर तक का मैंने अपडेट दिया था। अब आज इसमें हम मीठापुर से आगे का अपडेट देखते हैं। आगे का अपडेट जैसे हम बढ़ते हैं गाइस, तो आपको दिख रहा होगा कि राइट साइड में जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट है और इस पे ऑलमोस्ट जो है काम कंप्लीट दिख रहा है। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग रही हैं और साइड में क्रैश बैरियर वगैरह का काम हो चुका है। फिर इसके ऊपर जो भी होगा आपका लेन मार्किंग वगैरह का काम होगा। यहाँ के साइड में अगर आप देखोगे गाइस, सर्विस लेन भी कम्प्लीट आपको दिखेगी। साइड में आपको दिखेगा सूर्या कॉलोनी लेफ्ट में। ये आ गया भाई दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर, ठीक है। एमसीडी का टोल है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है भाई। तो यहाँ तक हुआ टोटल 12 किलोमीटर, ये दिल्ली का पार्ट यहाँ पे ख़त्म। अब हम हरियाणा में एंटर कर जाते गाइस। अब यहाँ से चलेगा हरियाणा का पार्ट, ठीक है। सामने आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भारी भरकम सा काम चल रहा, मस्त बढ़िया सा। और यहाँ पे एलिवेटेड पार्ट ऊपर ऊपर निकलता हुआ बहुत सही लग रहा भाई, बहुत सही। अभी हम इसके साथ साथ में चल रहे हैं लेफ्ट साइड से। राइट साइड में आगरा कैनाल है और राइट साइड का सर्विस लेन है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं गाइस कि यहाँ पे काफी हद तक जो है काम कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। सर्विस लेन यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं गाइज, आपको मस्त एकदम यहाँ पे काम दिखेगा। ये रहा आगरा कैनाल और ये सामने रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे आगे बढ़ते गाइज आपको दिखेगा एक राउंड अबाउट, ठीक है, मस्त गोल चक्कर जो एक कालिंदी कुंज की तरफ जाएगा और एक इधर से लेफ्ट हम निकल जाएंगे बल्लभगढ़ की तरफ। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा गाइज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एलिवेटेड पार्ट। अब हम इसके साथ साथ में चलेंगे। अब यहाँ गाइज आप देख सकते हो कि राइट साइड में जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जो है सर्विस लेन में लगा दी गई है, सर्विस लेन भी यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है आपको। साइड में अगर बात करें गाइज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, तो नॉइज बैरियर, साउंड बैरियर जो कह लो साइड में लग गया है काफ़ी हद तक। अभी इससे आगे थोड़ा सा पेंडिंग दिख रहा है, क्रैश बैरियर यहाँ पे कम्प्लीट है। अभी भी आप देख पा रहे हो गाइस साइड साइड में आपका एक्सप्रेसवे चल रहा है और अभी भी हमें सर्विस लेन में ही चलने को मिल रहा है।
तो अभी इस एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है गाड़ी ले जाना कहीं भी, कोई भी पार्ट अभी यहाँ इधर इधर तक तो नहीं खुला। आगे पता नहीं गाइस, आगे का अपडेट देखते हैं क्या है। अभी हम इसके साथ साथ में चल रहे हैं सर्विस लेन से। NHPC चौक गाइस यहाँ से राइट साइड में है और बल्लभगढ़ अभी सीधा आगे दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एक यू टर्न भी मिल जाता है, अगर आप दिल्ली के साइड वापस जाना चाहते हो तो यहाँ से यू टर्न ले लोगे। और इस तरह से कुछ यहाँ पे सर्विस लेन आपको दिख रहा है। यहाँ पे गाइस अभी और मिट्टी वगैरह डाला जा रहा है, आई थिंक यहाँ भी एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है क्या, क्योंकि मिट्टी डाला जा रहा है भाई यहाँ पे। अगर ये सर्विस लेन होता, हाँ यहाँ पे एंट्री एग्जिट है गाइस, ठीक है, क्योंकि चौड़ा काफ़ी बनाया गया है, क्योंकि सर्विस लेन तो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट है, तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट बनेगा एक और। यहाँ पे मिट्टी जो है गिराया जा रहा है और यहाँ पे एक और एंट्री एग्जिट बनेगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आगे का पार्ट देखते हैं क्या है। बाकी गाइस यहाँ पे दिखाऊं तो मस्त आपको काम होता हुआ अभी दिख रहा है, ये देखो आप इधर, और इस साइड भी JCB वगैरह। इधर पीछे साइड से मैं आया हूँ तो ये पूरा आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट है। यहाँ पे JCB वगैरह चल रही भाई, अभी काम चल रहा है। तो अभी हम इससे आगे बढ़ के देखते हैं आगे का क्या अपडेट है, आगे कहाँ तक जा सकते हैं।